यूक्रेन सीमा पर रूस की न्यूक्लियर ड्रिल, पुतिन के आदेश पर परमाणु ड्रिल शुरू और यूक्रेन बॉर्डर पर अब रूस ने न्यूक्लियर हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रूस की न्यूक्लियर ड्रिल ट्रेनिंग की ये तस्वीरें हैं जो सामने आई है और ये यूक्रेन की सीमा से सामने आई है। तो ये तस्वीरें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, दरअसल यूक्रेन सीमा पर रूस की न्यूक्लियर ड्रिल हो रही है, पुतिन का आदेश और उसके बाद ये परमाणु ड्रिल। अब आखिर इस आदेश का मतलब क्या है, इस परमाणु ड्रिल का मतलब क्या है, बिग फॉल पर भी आपको हम दिखाएंगे। ड्रिल में स्कैंडा टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को लगाया गया, ये देखिए आप तस्वीरें टीवी पर पहली बार उसी न्यूक्लियर ड्रिल का ये वीडियो जो इस वक्त आपके सामने, यहां पर आप देखिए ये जो न्यूक्लियर ड्रिल की जा रही, यहां पर आप देखिए ये आपको आर्मर व्हीकल नजर आ रहे हैं और इनमें मिसाइलों को लोड किया गया, फाइटर जेट आपको नजर आ रहा है, यानी जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ से कैसे परमाणु प्रहार किया जा सकता है, इसकी एक्सरसाइज, इसकी ड्रिल की जा रही है। जी हाँ, और ये यूक्रेन बॉर्डर पर ये तैयारी है, न्यूक्लियर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है सैनिकों को और इससे ये समझ में आने लगा है कि कोई बड़ी परमाणु आशंका भी बनी हुई है हमले की। देखिए पुतिन का ये कदम महाविनाश लाने वाला है क्योंकि नाटो पहले ही रूस को लगातार जो है वो धमकियां देता रहा है और रूस इस बात को लेकर के चिंतित जरूर है कि हो ना हो नाटो एकजुट होकर के रूस के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। कहा जा रहा है कि इसीलिए नाटो पहले ही रूस की सीमा पर ड्रिल कर रहा है और उसके जवाब में रूस की ये परमाणु ड्रिल भयावह परिणाम लेकर आएगी। पुतिन वैसे भी पश्चिम से नाराज है, खासकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से। एक तो ये ड्रिल नाटो को जवाब और दूसरी पश्चिम की चेतावनी कि अगर रूस पर किसी ने हमला किया तो तबाही तय। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल का परमाणु क्या कनेक्शन है। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने पूरी जानकारी रखा है। ईरान का परमाणु, पुतिन ने परमाणु परीक्षण प्लान ड्रिल शुरू कर दी है। रईसी की मौत के बाद पुतिन ईरान की के बाद इंतकाम की जो आग है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। हर मदद को भी व्लादिमीर पुतिन तैयार है। ईरान की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें इसलिए बेहद भयावह, बेहद खतरनाक और परेशानी में डालने वाली हो रही है क्योंकि यूक्रेन सीमा से सटा है ये इलाका जहां पर न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। ईरान को अमेरिका इसराइल पर शक है, अमेरिका पुतिन का नंबर एक दुश्मन भी है। और देखिए ये जो आशंकाएं बनी हुई है उसके बारे में जानकारी हम दे रहे हैं आपको। ईरान को ये लगता है कि ये हत्या दरअसल कराई गई है, पुतिन ने जांच में साथ देने का भरोसा दिया है। ये वो सारी डेवलपमेंट है जो कि राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका इस पूरी हत्या का साजिशकर्ता हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस न्यूक्लियर ड्रिल में आखिर ऐसा है क्या? सीधा हम बिग फॉल का रुख करते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों ये अमेरिका समेत नाटो देशों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी। न्यूक्लियर ड्रिल में क्या है, सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की मिसाइल यूनिट इसमें बाकायदा लगाई गई है इस एक्सरसाइज में, इस ड्रिल में मिसाइल यूनिट को दिया गया है टैक्टिकल वेपन जिसके जरिए इस ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। स्कैंडर मिसाइल के पास पहुंचाए गए हैं टैक्टिकल वेपन। जी हाँ, और देखिए टैक्टिकल वेपन जहां पहुंचे हैं वहां लॉन्चर भी मौजूद है, बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, रूसी फाइटर जेट में टैक्टिकल वेपन लोड भी किए गए हैं। न्यूक्लियर ड्रिल में क्या क्या है ये आपको बता रहे हैं, भाई किंजल एरो बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल लोड की गई है। तो न्यूक्लियर ड्रिल के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने, टैक्टिकल वेपन के साथ फाइटर जेट के उड़ान भरने की बता रही है। उस तरफ आप देख भी पा रहे, फाइटर जेट भी आपको नजर आ रहा है इस ड्रिल में शामिल किया गया। ड्रिल में रूस की एयरफोर्स को शामिल किया गया है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़े हुए हैं लाइव, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है, जिन्होंने ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। और मनीष, आखिर व्लादिमीर पुतिन के इस आदेश का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में जो ये बात कही जाती है कि अगर कभी ऐसे हालात बने कि रूस को एटमी हथियार और खास करके टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करना पड़े तो वो कौन सा हथियार होगा, तो इस वक्त जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दुनिया भर के दर्शकों को, वो यही हथियार है जिसका इस्तेमाल रूस कर सकता है आने वाले समय में अगर कभी ऐसी नौबत आई तो। और रूस आज उसी का न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है, जो हथियार हम दिखा रहे हैं
इस टेक्टिकल वेपन को खास तौर पर रोस्तोव इलाके में यूक्रेन सीमा में उस जगह पर लाया गया जहां पर अभी युद्ध हो रहा है, जहां रूस और यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे हैं, उस जगह पर इस टेक्टिकल वेपन को लाया गया, इसका रिहर्सल किया गया, इसका ड्रिल किया गया, इसे स्पेशल मिलिट्री ट्रक में लेकर आया गया और फिर उसे लॉन्चिंग पैड तक लाया गया, उसके बाद इसे Su-35 के पास लोड किया गया किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ। बेसिकली रूस ये तैयारी क्यों कर रहा है? रूस ये तैयारी कर रहा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में अब नाटो सैनिक ट्रेनिंग देने के बहाने जुटने लगे हैं। रूस को लगता है कि किसी भी वक्त नाटो के साथ लड़ाई हो सकती है, तो उन्हें अपने एटमी हथियार को तैयार रखना है। पहली बार पूरी दुनिया देख रही है रूस की वो एटमी तैयारी, वो एटमी हथियार जिसे रूस अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है, वो पुतिन दिखा रहे हैं और उसकी टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि दुश्मन चाहे रूस का हो या ईरान का हो, एक ही है और वो है अमेरिका। इसलिए रूस और ईरान की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई है, जिसके बारे में आप बता भी रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष। और देखिए एक और बड़ी खबर इस बीच आई है, अहमदाबाद से पकड़े गए 4 आतंकी और इन पर अपडेट है। एटीएस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए, भारत में तस्करी करने वाला बना आतंकी, आईएसआईएस के लिए काम करने लगा तस्कर। 4 में से 2 आतंकी 7 से 8 बार भारत आ चुके थे। एक आतंकवादी ने खुद को कपड़ा व्यापारी बताया था। आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने 20 मई को अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आतंकियों को पकड़ा। 4 श्रीलंका के नागरिक थे और भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। 4 का संबंध आईएसआईएस से है। 4 आतंकी अपने पाकिस्तानी आका के संपर्क में थे। पाकिस्तानी आका उन्हें अहमदाबाद में भेजे गए हथियारों को इकट्ठा करने के बाद हमले को अंजाम देने के लिए सटीक जगह और समय बताने वाले थे। और इन आतंकवादियों पर गुजरात एटीएस ने क्या खुलासा किया, पूरी डिटेल आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं। श्रीलंका से आए आतंकी पाकिस्तान इसका पूरा मास्टरमाइंड है। पकड़ा गया आतंकी नुसरत सोने का तस्कर बताया जा रहा। दूसरा आतंकी फरीश ड्रग्स तस्करी में पहले गिरफ्तार हो चुका है। और देखिए फरवरी से चल रही थी चारों आतंकियों की ट्रेनिंग, ये भी जानकारी मिली है। 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें भारत वापस भेजा गया था। भारत के किसी शहर में अटैक का टारगेट भी दिया गया था। बिल्कुल, एक आतंकी के मोबाइल फोन से अबू पाकिस्तानी का वीडियो भी मिला है, बरामद किया गया है। ये वीडियो सिग्नल ऐप के जरिए पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में ये सभी आतंकवादी थे। और चेन्नई एयरपोर्ट के वाईफाई का इन्होंने इस्तेमाल किया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तमिलनाडु एटीएस की एक टीम गुजरात पहुंची, आतंकियों की फोन हिस्ट्री जानने के लिए एफएसएल जांच भी होगी। तो देखिए श्रीलंका से आए आतंकी पाकिस्तान में इनका आका बैठा था और भारत में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस ने गिरफ्तार किया है इन सभी आतंकियों को और इनके हवाले से ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और यूनुस गाजी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस, और क्या जानकारी मिल पाई है, इन लोगों की क्या प्लानिंग थी, पाकिस्तान में बैठे आका इन्हें क्या साजिश रचने के आदेश दे रहे थे? ये चारों को 14 दिन की रिमांड दी गई है और इनके क्या प्लान थे ये जानने की कोशिश जो सुरक्षा एजेंसी है वो कर रही है। आगे की जो प्लान थे उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे। ये लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनको पहले जो हथियार दिए गए थे वो हथियार आने के बाद उनको उसका प्लान उनका जो भी हैंडलर था वो बताने वाला था। उनको अभी कुछ भी ये बताया नहीं गया था कि कहाँ उसका टारगेट है, किस पर अटैक करना है। लेकिन पूछताछ के दौरान और अन्य जांच के दौरान बहुत सारी बातें निकली है। उसमें जो नुसरत है वो गोल्ड स्मगलर था और रस्तीन के ऊपर भी कोलंबो में मारामारी के 5 जो ऑफेंस है वो रजिस्टर हुए थे। इसके बाद ये लोग यहाँ किस जगह पर रुकने वाले थे इसके बारे में भी जांच चल रही है और ये पाकिस्तान से उनको और क्या क्या आदेश मिले थे। ये उपरांत ये तमिलनाडु एटीएस की एक टीम भी गुजरात पहुंच चुकी है और उन्होंने भी पूछताछ शुरू की है क्योंकि ये लोग कोलंबो से चेन्नई होके आए थे, तो चेन्नई में कहां कहां रुके थे और चेन्नई में उनको कुछ सपोर्ट मिला था या चेन्नई में उनके कोई और लोग हैं कि नहीं, इसके बारे में भी जांच चल रही है। बिल्कुल यूनिस, तो आईएसआईएस के 4 आतंकवादियों और इनको गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से संवाद किया और आधी आबादी को खास संदेश दिया। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले हैं।
मां गंगा ही अब हमार माई है इन ऐसी बुलाया था। अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। पीएम मोदी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश कैसे चलता। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। और वहीं ओडिशा में चुनावी प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने रत्न भंडार की चाबियां गुम होने पर नवीन पटनायक से सवाल पूछा। शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही गुनहगारों को सजा देंगे। रत्न भंडार की चाबियां कहां गुम हो गई? नवीन बाबू आप मुझे जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू आप जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी से ये भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? अरे नवीन बाबू जवाब दीजिए, आपने रत्न भंडार की जांच आयोग का रिपोर्ट क्यों छुपा कर रखा है? मैं आपको कहने आया हूं, ओडिशा में भाजपा सरकार बना दीजिए, रानी साहिबा को और हमारे डॉक्टर को जिता दीजिए। 100 दिन के अंदर जिन्होंने रत्न भंडार में डाका डाला है उसको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। और वहीं संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लगातार बयानबाजी जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस संविधान को बदलना चाहती है। पीएम के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या जवाब दिया आप देखिए। भाई और बहनों, इतने साल बीत गए लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र नहीं बदला। बाबा साहब आम्बेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे लेकिन कांग्रेस सपा वाले संविधान के खिलाफ जाकर दलितों पिछड़ों का आरक्षण अपने वोट बैंक को वोट जिहाद वालों को देने की तैयारी में। कर्नाटक में तो कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटा मुसलमानों को दे दिया है। संविधान के बारे में हम जो पूछ रहे हैं, हम ये बात नहीं उठाए पहले। कौन उठाए? सबसे पहले 2014 में आरएसएस के लोग मोहन भागवत जी खुद उठाए और उनके जो संघ के लोग हैं उन्होंने ये शुरू किया कि हमको अगर 2/3 बहुमत मिला ज्यादा तो हम संविधान को बदलने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्र विरोधी ताकतों से गहरा रिश्ता है। उन्होंने फंडिंग मामले में भी आम आदमी पार्टी को घेरा है। गैर राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जो राष्ट्र विरोधी हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी का गहरा रिश्ता है। अभी नहीं, पंजाब के चुनाव में भी आरोप लगा था कि टेररिस्टों से फंडिंग हुई है, उस पर एक भी जवाब अरविंद केजरीवाल ने आज दिन तक नहीं दिया। ये सब लोग अर्बन नक्सलिज्म के रूप हैं और ये देश में डिस्ट्रक्शन हो, देश का विकास रुके, मुख्य धारा से अलग चल करके और सारी परंपराओं को तोड़ा जाए, इस विचारधारा के लोग हैं और ऐसे लोग इसी तरीके का काम करते हैं। राष्ट्र विरोधी कार्य में ये संलिप्त होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर इन्होंने प्रमाण मांगा था कि नहीं मांगा था? देश का फौज का मोराल तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? सुरक्षा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था कि नहीं किया था? ये ऐसे ही लोग हैं जो सिस्टम्स को हमेशा चैलेंज करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भूल की थी। उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान के साथ 3 दिन युद्ध विराम की घोषणा नहीं होती तो पूरा का पूरा कश्मीर आज हमारा होता। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गया, कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक काम बाकी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने ऐतिहासिक भूल की।
हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, लेकिन आपने युद्ध विराम कर दिया। 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। अब केवल पीओके वापस लेना बाकी और वो हम लेते रहेंगे, वो हम लेते रहेंगे। देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस की सिर पर है। भारत 370 डॉक्टर अंबेडकर ने मना किया, कौन है धारा 370 से, कौन है 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान का प्रावधान किया? ये पाप भी किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस ने, और उस पाप को समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उधर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट से कैंडिडेट कन्हैया कुमार के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया के लिए वोट मांगे। बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के मुकाबले खड़े कन्हैया के प्रचार के लिए पहुंचे केजरीवाल ने फिर कहा कि उन्हें वोट नहीं दिया तो 2 जून को फिर जेल जाना पड़ेगा। और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया, अब कह रहे हैं किसी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था, कह रहे 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे तुमने इतनी रेड मार ली, 500 से ज्यादा रेड मार ली, 54 नहीं मिली कहीं पे, कहां गए 100 करोड़, हवा में उड़ गए। चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया और केजरीवाल एक दूसरे के खूब गले मिले, जमकर ठहाके लगाए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। और वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए और कहा कि रामदूत बजरंग बली की कृपा से वो जेल से बाहर आए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने हाथ में गदा उठा रखा है, भीड़ में जोश भर रहे हैं। गदाधारी केजरीवाल के इस रूप को देख समर्थकों ने बजरंग बली के खूब नारे लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग बली का नाम सुनते ही केजरीवाल भी खुद को रोक नहीं पाए, कहा कि बजरंग बली के चमत्कार की वजह से ही वो जेल से बाहर आए। चमत्कार हो गया, मेरे ऊपर बजरंग बली का बहुत आशीर्वाद है, बजरंग बली का मैं भक्त हूँ और बजरंग बली ने चमत्कार किया। मोदी जी ने तो पूरी कोशिश की मेरे को अंदर रखने की, लेकिन बजरंग बली के सामने उनकी नहीं चली। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई मामले की जांच मुंबई तक पहुंच गई है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक 5-स्टार होटल में आखिर दिल्ली पुलिस क्यों गई, ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के इस 5-सितारा होटल के पास गहमा गहमी बढ़ी है, अचानक दिल्ली पुलिस पहुंची। बताया जाता है कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार को लेकर इस होटल में दिल्ली पुलिस दाखिल हुई। पुलिस ये जानने पहुंची कि आखिर वो कौन से डेटा थे जिसे विभव खत्म करवाने के लिए यहां पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक विभव कुमार ने मुंबई में अपना फोन फॉर्मेट किया था और उसके तार इस होटल से जुड़े हैं। पुलिस को शक है कि विभव ने यहां कुछ लोगों से मुलाकात की और यहां पर स्वाति मालीवाल से पिटाई मामले के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। डेटा फॉर्मेट के लिए विभव ने किसी को बुलाया या फिर पहले से कोई शख्स होटल में मौजूद था, उसकी जाँच चल रही है। मोबाइल मिस्ट्री दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। विभव कुमार ने मुंबई में ही अपने फोन को फॉर्मेट किया था, लेकिन किसकी मदद से किया, किसके जरिए किया, क्या किसी शख्स को होटल में बुलाया गया था, किस लैपटॉप का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है और होटल स्टाफ से भी इस बारे में पूछताछ की जा सकती है। हालांकि दिल्ली पुलिस कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि दिल्ली अगले 5 साल में दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के 60 साल और बीजेपी के 10 साल के शासन का उन्होंने खाका पेश किया। जो करेगा जात की बात उसको कसके पड़ेगी लाख।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस को ललकारा। कहा कांग्रेस ने 60 सालों में केवल वादे किए, बीजेपी ने 10 साल में विकास करके दिखाया। गडकरी मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 10 साल में 50 लाख करोड़ के काम वो कर चुके हैं। ऐसे प्रोजेक्ट तैयार भी किए हैं कि 2070 तक दिल्ली को कोई पानी की कमी नहीं होगी। लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना 6000 करोड़, रेणुका बांध परियोजना 5000 करोड़, किशाऊ बांध परियोजना 12000 करोड़, इसमें 1000 ये सब उत्तराखंड और हिमाचल के प्रोजेक्ट है। इसका फायदा क्या है? बिजली उनको भले मिलेगी पर इससे यमुना में पानी आएगा और 2070 तक दिल्ली को कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी। ये काम हमने किया। नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली अगले 5 साल में बदल जाएगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है कि उत्तराखंड के लोग दिल्ली छोड़कर फिर से चलो गांव की ओर करके वापस जाएंगे। जय श्री राम। बिहार के दरभंगा में कुछ लोगों ने कानून को खुली चुनौती दी है। सैकड़ों लोग जाले थाने के अंदर घुस गए और हिरासत से 4 लोगों को छुड़ा कर लेकर गए। अब पुलिस अपनी बेबसी जता रही है। दरभंगा के जाले थाने की ये तस्वीर है। लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। पहली नजर में आपको ये हंगामा दिख रहा होगा, लेकिन ये हंगामा नहीं बल्कि कानून का मजाक है। पुलिस को खुली चुनौती दी गई। पुलिस ही कह रही है थाने पर करीब 150 लोग जमा हुए और जिन 4 लोगों को बोगस वोटिंग के आरोप में हिरासत में लिया था, थाने से उनको छुड़ा लिया गया और उनका पूछताछ थाना में किया जा रहा था थानाध्यक्ष के द्वारा। उसी क्रम में 130 और 140 के लगभग लोग आके भीड़ आके तीन जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको छुड़ा के लेके चला गया। तो बाद में जो CCTV हमारे यहाँ थाना में है उसका चेक करके आइडेंटिफाइड करके टोटल 24 लोगों को आइडेंटिफाइड किया अभी तक और नामजद एफआईआर किया गया, बट अन्य 130 अज्ञात के ऊपर एफआईआर किया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। हैरानी की बात है कि दरभंगा पुलिस भीड़ के आगे बेबस क्यों रही? भीड़ को कानून का मजाक उड़ाने की छूट किसने दी? पुणे में नाबालिग लड़के को निबंध लिखने की सजा पर जमानत देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस एक्शन में आ गई है, ये रिपोर्ट देखिए। पुणे में रईसजादे के रसूख के आगे पूरा सिस्टम झुकता नजर आया। नशे में धुत रईसजादे ने अपनी 2 करोड़ की कार से 2 बेगुनाहों की जान ले ली। पहले 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बेगुनाहों को कुचल दिया। नशे में धुत रईसजादे ने 2 की जान ले ली और उसे आसानी से जमानत भी मिल जाती है। करोड़ों रुपए की पोर्श कार से 2 लोगों को कुचलने वाले नाबालिग लड़के को 19 मई के दिन यानी रविवार को ही सुनवाई करके कोर्ट से अजीबोगरीब शर्त पर जमानत भी मिल गई। कोर्ट से सड़क हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा मिली। 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने को कहा गया। मनोवैज्ञानिक से इलाज कराने की सलाह दी गई। 300 शब्दों के निबंध लिखने की सजा पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश दिखा। लोग पुलिस प्रशासन सिस्टम पर सवाल उठाने लगे। सिस्टम का मजाक उड़ने लगा। उसके बाद प्रशासन की नींद खुली, सिस्टम जागा। पुलिस ने दाग धोने की कोशिश की। नाबालिग आरोपी के पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस पब में बैठकर नाबालिग ने शराब पी थी, पुलिस ने उस बार को सील कर दिया है। फिलहाल पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम ने जल्द न्याय की बात कही है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर प्रहार किया। एक विधि संघर्षित लड़के ने एक कार चलाते हुए मोटरसाइकिल को एक प्रकार से उस पर बैठे हुए जो 2 लोग हैं उनको एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए। पुणे की घटना पर लोगों में गुस्सा है, सियासत भी गर्म है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑर्डर को मैं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर मामले में इस प्रकार की ऑर्डर कैसे दी गई, इसलिए उसको हम लोग कंटेस्ट करेंगे। फडणवीस ने कहा कि ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और इस मामले में न्याय जरूर होगा। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते?
इधर दिल्ली में ब्रांडेड कंपनीज के एक्सपायरी माल को नया कर बेचने का गोरख धंधा सामने आया है। मोतीबाग और शास्त्री नगर इलाकों में पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस ने गोडाउन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। हनी, सूप, चाय पत्ती, बॉडी स्प्रे, हेयर जेल, पाउडर, नहाने का साबुन, ये सब सामान आप भी घर लाते होंगे। लेकिन सामान सही है या गलत, इसका पता एक्सपायरी डेट से करते हैं। लेकिन दिल्ली की क्राइम ब्रांच को एक्सपायरी सामानों का जखीरा मिला है, जिसे रीप्रिंट कर उसे दोबारा बाजार में उतार कर बेचा जा रहा है। यहां तक कि बच्चों के खाने वाले सामान साथ भी खिलवाड़ की जा रही है। जेट लाइन कुरियर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये यहाँ पर दुकान बनाई गई थी और इसके अंदर जब क्राइम ब्रांच पहुंची तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्टून मौजूद थे। देखिए कैसे एक महिला एक मामूली थिनर से महज कुछ सेकंड में एक बोतल के ऊपर से उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और मूल्य सहित सारी जानकारी मिटाती है। फिर लाल टी शर्ट पहने ये शख्स देखिए कैसे एक बोतल पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और मूल्य एक मशीन के जरिए डालकर उसे रीप्रिंट कर रहा है। मशीन के आगे से बोतल गुजारी और लीजिए, हो गया नया प्रिंट। लेबल बदला, सामान नहीं, तारीख बदली, तासीर नहीं। और बात अब मौसम की करते हैं। देश के बड़े हिस्से में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिन तक गर्मी से कोई राहत की उम्मीद नहीं। सूरज प्रचंड है, पारा 50 डिग्री को छूने के करीब है। मंगलवार को कई राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। हरियाणा के सिरसा में मंगलवार को पारा 47.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ये देश में सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि राजस्थान के झुंझुनू का पिलानी 47.2 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से दिल्ली में बिजली की मांग 7,717 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बिजली की मांग के 8,000 मेगावाट से अधिक हो जाने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर मंगलवार को आंधी और बारिश के बाद पारे में थोड़ी गिरावट आई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चिलचिलाती गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगले 4 से 5 दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है। तमिलनाडु, केरल में आगामी 2 से 3 दिन बारिश होगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश से हुई या तकनीक के जरिए उनकी हत्या की गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में ईरानी राजदूत इराज अलाही ने कहा है कि अभी जांच चल रही है, कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर सस्पेंस जारी है। रईसी की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई या उनकी साजिशन हत्या की गई, इसे लेकर फिलहाल जांच जारी है। जिस इलाके में रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां मौसम कैसा था, इसकी जांच हो रही है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि रईसी के हेलीकॉप्टर को कहीं लेजर वेपन से टारगेट तो नहीं किया गया। रईसी की मौत पर भारत में ईरान के राजदूत इराज अलाही ने कहा कि अब तक की जांच में खराब मौसम ही हादसे की वजह है। It is very soon to predict or say anything about the investigation. Investigation is ongoing and as soon as possible they will reach to any conclusion, it will be released. But till now it was, according to the Iranian media, Iranian official, till now the bad weather condition was the main cause. It was foggy, rainy, and the pilot could not see its fronts. पाकिस्तान में दो हिंदू मंदिरों में चोरी के बाद से हिंदू समुदाय बेहद नाराज है। सिंध प्रांत में चोर मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति के गहने समेत नकदी चुरा कर ले गए। मंदिर में बिखरी पड़ी मूर्तियां, गहने उड़ा ले गए चोर, और कितने नीचे गिरेगा पाकिस्तान। भिखारी पाकिस्तान ने हिंदुओं के भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनके मंदिर के गहने भी बेचकर खाने पर आमादा है। सिंध प्रांत की ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। मंदिर के देवी देवता पाकिस्तान की दुर्गति की गवाही दे रहे हैं। पुजारी पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, आरोप है कि गुहार को पुलिस अनसुना कर रही है। 16 मई को रामपीर प्राचीन मंदिर में हुई चोरी को लेकर बताया जाता है कि चांदी की मूर्ति और मुकुट समेत लाखों के जेवर और नकद चोर उठा ले गए। मामले में पुलिस के साथ एक बैठक भी हुई, भरोसा दिया गया कि चोर जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन हफ्ते भर हो गए पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। आपको बता दें कि इससे पहले सिंध के झूलेलाल मंदिर में भी चोरी हुई थी, जिसके पुजारी ने भी पुलिस के एक्शन पर निराशा जताई थी। कहा था कि पाकिस्तान पुलिस हिंदू मंदिरों की शिकायतों पर जल्दी एक्शन नहीं लेती।
बताया जाता है कि सिंध के दोनों मंदिर में चोरी का पैटर्न एक जैसा है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऐसे में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक ऐसी खबर जिसने विमान यात्रियों में डर पैदा कर दिया। हमारे कई दर्शक विमान की यात्रा करते होंगे, एक देश से दूसरे देश और एक शहर से दूसरे शहर जाते होंगे, कई बार टर्बुलेंस का सामना किया होगा। ऐसे ही एक टर्बुलेंस का वीडियो लंदन सिंगापुर फ्लाइट का आया है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। इस वीडियो को दिखाएं, इससे पहले आपको बताते हैं कि इस टर्बुलेंस के कारण दहशत के मारे विमान में एक आदमी की मौत भी हो गई है। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 321 आसमान में एयर टर्बुलेंस में फंस गई। विमान इतनी तेजी से हिलने डुलने लगा कि यात्री खौफ में आकर चिल्लाने लगे। फ्लाइट में हड़कंप मच गया। लगेज केबिन में रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगा। अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे सीट पकड़कर बैठ गए, ईश्वर को याद करने लगे, दुआ मांगने लगे। एयर टर्बुलेंस की वजह से हालात कितने बिगड़ गए, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। इस विमान के अंदर की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयर टर्बुलेंस के वक्त कैसा खौफनाक मंजर रहा होगा। अंदर हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था, कोई ऐसी सीट नहीं थी जहां कुछ गिरा ना हो। सीटों के ऊपर लगे ऑक्सीजन मास्क खुले हुए थे। विमान के ऊपर का हिस्सा टूटकर नीचे गिर चुका था। सीट और लगेज केबिन के पास खून के धब्बे भी नजर आए। कुछ यात्रियों के चेहरे पर चोटें भी आईं। इस विमान में 211 यात्रियों समेत केबिन क्रू को मिलाकर 229 लोग सवार थे। लंदन से सिंगापुर जा रहे विमान को बैंकॉक डाइवर्ट करना पड़ा। बैंकॉक में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।